नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अनरेड में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उम्मीदों का टीका एक कदम और बढ़ा, एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड को सशर्त दी मंजूरी। शिवराज कैबिनेट का हुआ विस्तार, शपथ ग्रहण कार्यक्रम 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे। दीपिका पादुकोण ने ट्विटर इंस्टा से सभी पोस्ट हटाकर चौंकाया, अब फैंस के नाम जारी किया एक वीडियो। रोहित शर्मा बने टेस्ट टीम के उपकप्तान, बीसीसीआई ने दिया नए साल पर तोहफा। शुक्रवार को मंदसौर के सुवासरा में शहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर जोधपुर इंदौर ट्रेन और जयपुर पुणे ट्रेन के दोबारा स्टॉपेज शुरू करवाने के लिए स्टेशन अधिकारी को जबलपुर महाप्रबंधक और रेलवे कोटा के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग की है कि जल्द से जल्द इन दोनों ट्रेनों के स्टॉपेज शुरू हो। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। शुक्रवार को नए साल पर कुशीनगर में बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने पहुंचे। दरअसल नए साल के अवसर पर कुशीनगर में लगे मेले का लोगों ने खूब आनंद लिया। वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हुए थे। बता दें, कोरोना को देखते हुए बुद्ध मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क लगाना अनिवार्य था। गौरतलब है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल होने के कारण कुशीनगर खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में पूरे पूर्वांचल में मशहूर है, जिसके चलते पूरे पूर्वांचल से लोग कुशीनगर में नए साल का जश्न मनाने आते हैं। कि बुद्ध भगवान का स्थल है, यहाँ सब घूमने आते हैं। हम भी गोरखपुर से आए हुए हैं, ऐसे तो घर हमारा देवरिया है, गोरखपुर रहते हैं, इधर घूमने के लिए आया, बहुत अच्छा लगा। कोरोना तो है बट लोगों को थोड़ा सा फ्री हो गया, लोग घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं घूमना चाहिए विदाउट मास्क। सबको मास्क लगा के घूमना चाहिए और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, लोग सेफ्टी नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे में ऐसे लड़ते भिड़ते हुए चल रहे हैं, तो खुद संभल के चलना चाहिए। और सब कुछ देखते हुए अच्छा लगा, यहाँ इंजॉय किया हमने और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ जितने भी लोग आए सब इंजॉय कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से बच के। पब्लिक प्लेस है इसलिए थोड़ा सा इंजॉय करने के तौर पर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अच्छी जगह मानी जाती है। ये हम जाने कि ये 4-5 जिला मिला के जो आता है यहाँ की सबसे अच्छी जगह ये मानी जाती है। जी, कोरोना का क्या असर दिख रहा है इस तरीके से? कोरोना का असर तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी है और सारे लोग इधर ही टहलने आए हैं। कि 4-5 जिला तो बता रहे हैं हम, गोरखपुर से हम लोग भी आए हैं, तो गोरखपुर में तो काफ़ी कोरोना का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे नौका विहार या गोरखनाथ मंदिर हुआ, ये सारे बंद चल रहे हैं, वहाँ टहलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सारे लोग भाग के इधर ही आ रहे हैं। सर्विस मित्र। शुक्रवार को नए साल के अवसर पर मंत्री बिसाहूलाल साहू उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान मंत्री बिसाहूलाल साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नए साल में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। हम हमेशा यहाँ आते रहते हैं। हमारी सरकार की और मेरी भी इच्छा है, मेरे पास खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश की कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, सबको खाने का व्यवस्था हो, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसके अंतर्गत कोई भी गरीब जो जिनको राशन नहीं मिल रहा है अगर वो पात्र हैं तो हमारा विभाग मध्य प्रदेश शासन सबको राशन उपलब्ध कराएगा। और हमारा सिद्धांत है कि गरीब की थाली कभी न रहे खाली। मंत्री जी, सामान तो आप उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो कई बार उज्जैन में फेल हो चुकी है, अभी अस्पताल में ताज़ा मामला आया था। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारे सम्माननीय नेता जी हमारे वरिष्ठ हैं, जब भी कोई इस तरह की जानकारी देंगे, कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मेरे पास उसकी जानकारी उज्जैन की नहीं आई, बालाघाट छिंदवाड़ा की आई। राजगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल छापीहेड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से कृष्णा वैली स्कूल के पास मादक पदार्थ स्मैक बेचने के लिए खड़े हैं। सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी बीरम तंवर के कब्जे से 130 ग्राम स्मैक और आरोपी भगवान सिंह तंवर के कब्जे से 120 ग्राम स्मैक सहित एक मोटरसाइकिल जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। नए साल की प्रायोरिटी में प्रायोरिटी नंबर वन जो माननीय सीएम साहब और डीजी सर के निर्देश है उसके हिसाब से हमने तय किया था कि इस साल फिर हम अपनी जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है उसको जारी रखेंगे और इस नए साल की शुरुआत भी हम एक बड़ी धरपकड़ के साथ कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी छापीहेड़ा थाना प्रभारी उनकी टीम बधाई का पात्र है। ये दो व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनसे करीबन 25 लाख रुपए की स्मैक जो कि एक नशीला पदार्थ है और जो नेजल वे के थ्रू लिया जाता है और ये काफ़ी गंभीर और काफ़ी एडिक्टिव काफ़ी वैसा पदार्थ है। हम लोगों ने कई लोगों को देखा है जो इसमें जो घरों के बच्चे होते हैं वो इसमें संलिप्त हो जाते हैं और उनको इसकी इतनी आदत लग जाती है कि जिसकी वजह से वो छोटे मोटे अपराध चोरी लूट वगैरह चालू कर देते हैं और फिर यही चीज़ें आगे जाके बड़ी घटनाओं का रूप लेती हैं। तो राजगढ़ ज़िले के जो युवा साथी हैं उनको देखते हुए हम लोगों ने इस साल ये तय किया कि 2021 हमारी प्रायोरिटी नंबर वन मादक पदार्थ रहेगा। पिछले साल भी हमने इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की थी। सबसे बड़ा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो झालावाड़ है। झालावाड़ क्षेत्र के कुछ गांव हैं जहां ये मादक पदार्थ बनाने का और इनकी तस्करी करने का लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं और इन्हीं के माध्यम से ये अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। पिछले कई साल जो पिछले साल हमने कार्रवाइयाँ की हैं उसमें हमने मोस्टली जो पेडलर्स हैं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको पकड़ा है। इस साल हमारे पास जो दो व्यक्ति हैं वो इस धंधे में पूरी तरह से संलिप्त हैं और ये झालावाड़ के ही रहने वाले हैं। आज सुबह सुबह जब ये सूचना मिली कि ये एक सीडी डिलक्स है, ये कृष्णा वैली स्कूल के पास ये स्मैक बेचने की फिराक में है, तो दो व्यक्ति को पकड़ा गया जिन्होंने अपना नाम भगवान तंवर, ये झालावाड़ का रहने वाला है, और दूसरा बीरम तंवर, ये भी झालावाड़ का रहने वाला है। इन दोनों के पास से कुल भगवान तंवर के पास से करीबन 120 ग्राम और जो बीरम तंवर है इसके पास से करीबन 130 ग्राम इस तरह से टोटल 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इनके पास से जो मोटरसाइकिल मिली है उसके बारे में भी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी हमने झालावाड़ से मांगने का अभी पत्राचार किया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार ये राजगढ़ के पेडलर्स ना होके एक्चुअली झालावाड़ के रहने वाले जो उसके प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहते हैं और इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अभी इसमें फर्दर विवेचना की जाएगी, इसमें जो जो लोग झालावाड़ से सम्मिलित हैं उन सभी को आरोपी बनाया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर राकेश दामले, आरक्षक शिव सिंह दांगी, पीयूष गुप्ता, पप्पू दांगी, श्याम सुंदर पाटीदार, गिरिराज दांगी, इनका विशेष योगदान रहा, तो 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की जाएगी। इंदौर पुलिस ने महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों में तत्परता से कार्यवाही की है। शक्ति समिति का गठन करने के साथ ही प्रत्येक थाने पर बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है, साथ ही विशेष किशोर पुलिस इकाई भी संचालित की जा रही है। हालांकि साल 2020 का बड़ा हिस्सा कोरोना काल के चलते अस्त व्यस्त रहा, लेकिन बावजूद इसके इंदौर पुलिस ने महिला और बच्चों से संबंधित अपराध को लेकर तत्परता दिखाई है। इसे लेकर एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी ने बताया कि इंदौर पुलिस का उद्देश्य महिला और बच्चों के अपराध में कमी लाना है, जिसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वर्ष 2020 की अगर बात की जाए तो एक बड़ा हिस्सा इसका लॉकडाउन या कोरोना के कारण अस्त व्यस्त रहा है, और उसके बीच भी उसके चलते हुए भी इंदौर पुलिस ने पूरी सक्रियता के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह के कार्य किए हैं। उसमें उनको जागृत करने से लेकर उनके विरुद्ध हुए अपराधों में त्वरित और सख्त कार्यवाही करने तक की चीज़ें शामिल हैं, जहां आप देखेंगे कि हमने कई शक्ति समिति के सदस्य बनाए हैं। सभी थानों में महिला डेस्क कार्यरत हैं। इन महिला डेस्क के जो प्रभारी हैं उन सभी को प्रशिक्षण दिया गया, उनको रीडिंग मटेरियल दिया गया, उनको संवेदनशीलता का प्रशिक्षण अलग से दिया गया। इसके अलावा फिर उन्होंने शक्ति समितियों का गठन किया गया जिसमें सिविलियंस शामिल हैं, जो सिविलियंस ऐसे लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं जिन क्षेत्रों में महिलाओं या बच्चों के प्रति अपराध होने की संभावना या आशंका ज़्यादा होती है।
ये शक्ति समिति के सदस्य उनको न केवल जागरूक करते हैं बल्कि यदि उनको कोई समस्या थाने से आ रही है, वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो थाने तक कनेक्ट कराते हैं। थाने में सुनवाई ना हो या संतुष्ट ना हो तो CSP, SP और DIG रैंक तक भी लोग यहाँ आते हैं समस्या लेकर के। तो ये हमारी शक्ति समितियाँ और हमारे जो प्रभारीगण हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की गई है और ये बाल कल्याण अधिकारी जो है ये SJPU से भी कनेक्टेड रहते हैं। विशेष किशोर पुलिस इकाई परदेशीपुरा थाना के समीप संचालित है। ऐसा कोई भी बच्चा जो विधि विवादित है या जो बच्चा संरक्षण चाहता है या उसको कोई परेशानी है तो वो SJPU में लाया जाता है और उसके बाद उसके लिए जो भी उपयोगी उसका जो उसके लिए जो उचित निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार उसकी कार्यवाही की जाती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।